की अदाकारा उर्वशी रौतेला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुआ है। इस वीडियो में उर्वशी रौतेला के साथ मशहूर अदाकारा श्रीदेवी के पति बोनी कपूर भी नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने के बाद फैंस बोनी कपूर पर गुस्सा कर रहे हैं। इस वीडियो में ऐसा लग रहा है कि बोनी कपूर उर्वशी रौतेला को गलत जगह टच कर रहे हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो की पूरी सच्चाई। उर्वशी रौतेला बॉलीवुड में भले ही कम नजर आती हैं, लेकिन अपने गानों से वह सुर्खियों में बनी रहती हैं। YouTube के लिए वीडियो हो या कोई फ्री फैशन इवेंट, वो उर्वशी ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ती। जिस वीडियो के बारे में चर्चा हो रही है, ये वीडियो बोनी कपूर और उर्वशी रौतेला का साल 2019 का है। साल 2019 में जयंती लाल गाड़ा के बेटे की रिफ्लेक्शन में दोनों पहुंचे थे। यहाँ जब दोनों मीडिया के सामने मिले तो दोनों काफी क्लोज होकर पोज दे रहे थे। पोज देते समय बोनी कपूर का हाथ उर्वशी रौतेला की एक ऐसी जगह पर चला गया कि वह निशाने पर आ गए। भले यह घटना अनजाने से हुई हो, लेकिन रोलर सुनते ही ट्रोल कर रहे हैं। जब यह घटना कैमरा में कैद हो गई तो यह सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होने लगी। इस वीडियो के वायरल भौतिकी उर्वशी रौतेला का नाम बॉलीवुड की जानी मानी फिल्म मेकर बोनी कपूर के साथ जुड़ने लगा। आपको बता दें कि इसके बाद उर्वशी रौतेला ने इस मुद्दे पर जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि फोटो और वीडियो गलत एंगल से लिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक छोटी सी बात को बहुत बड़ी बात बना दी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़।